बहादुरगढ़ में जमीनी विवाद के चलते एक महिला को घर में घुसकर गोली मारने का मामला सामने आया है। महिला पर गोली उस वक्त चली जब उनके दो भतीजे घर में घुस गए। भतीजों ने उन पर गोली चलाई है और वारदात को अंजाम देते ही हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल महिला की पहचान लोवा माजरा गांव निवासी कमलेश के रूप में की गई है और कमलेश के परिवार और उनके भतीजों के बीच खेतों की जमीन को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसके दो भतीजे मनोज और चांद ने घर में घुसकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। महिला के सिर और कंधे में गोलियां लगी है और परिजनों ने घायल महिला को बहादुरगढ़ के अस्पताल में एडमिट करवाया है। महिला अस्पताल में उपचाराधीन है और पुलिस को वारदात की सूचना कर दी गई थी। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। हमारे माजरा थाना है, जो सदर थाना बहादुरगढ़ के अंतर्गत आता है, उसमें कमलेश नाम एक लेडी, उसके परिवार में जो मनोज वगैरह है, उन्होंने गोली मार दी है, जिस पर उस लेडी को एडमिट कराया गया और उसका चल रहा इलाज। इनका जमीन से संबंधित कोई भी बात था जिसके बाद इन्वेस्टिगेट कर घर में घुसकर मारे गए सर। जी, ये बताया जा रहा है कि घर में घुसकर आरोपी फरार है। आरोपी फरार, उनकी तलाश के लिए बस तकरीबन 5:30 बजे दो महिलाएँ हमारे घर के तरफ कागजा कर रही थी और फिर बाद में आए दो लड़के, मेरे ताऊ के लड़के चांद और मनोज, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और फिर अपनी माँ को मैं ले गया अस्पताल में आ गया, वो फरार है। पुलिस को शिकायत दे दी, पुलिस को मामला दर्ज करवा दिया।